हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार, वीबीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट वीडियो में मैं आपको चेंज इनटू जेंडर जो रोल बताए थे, आज जो हमारा टॉपिक होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे कहते हैं विशेषण, एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन नाउन आर प्रोनाउन। एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। कहने का मतलब विशेषण वह शब्द होता है, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बदलाए उसे विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस एप्पल इज रेड, दिस एप्पल इज रेड, यह सेब लाल है। दिस एप्पल जो इसकी विशेषता है, यह सेब कैसा लाल है जिसकी, जो कि रेड इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए हो जाएगा एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, दिस सम इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यह योग कठिन है, इस योग की विशेषता डिफिकल्ट है, तो हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का डेफिनेशन था एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। कहने का मतलब विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस एप्पल इज रेड, यह सेब लाल है। दिस एप्पल जो किसकी विशेषता है, रेड, रेड हो गया एडजेक्टिव। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, नेक्स्ट हेडिंग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव दीज आर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 7। फिफ्थ, फर्स्ट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, दीज आर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 7। जो फर्स्ट होता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जो फर्स्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
सेकेंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो थर्ड होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो फोर्थ होता है एडजेक्टिव ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव, जो फिफ्थ होता है एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव। जो सिक्स होता है एडजेक्टिव ऑफ पॉसेसिव, जो सेवंथ होता है एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, दीज आर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव सेवन। फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ एडजेक्टिव ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव, फिफ्थ एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, सिक्स एडजेक्टिव ऑफ पॉसेसिव, सेवंथ एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। ये होते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जो हमारा फर्स्ट इन होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फर्स्ट हेडिंग होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा एन एडजेक्टिव इज वर्ड एड सम क्वालिटी नाउन आर प्रोनाउन एन एडजेक्टिव इज वर्ड एड सम क्वालिटी नाउन आर प्रोनाउन। कहने का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड विशेषण है जिसमें किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण बताई जाए, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज फैट, राम मोटा। ए राम ये कोई नाउन है, ए राम होंगे नाउन। राम की जो विशेषता बताई जा रही है, क्वालिटी गुण जो बताई जा रही है, ओ फैट, फैट होना था मोटा, ये है क्वालिटी। राम इज फैट, राम एक नाउन है, राम की जो क्वालिटी बताई जा रही है ओ फैट, तो फैट हो जाए क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वांट सम वाटर, I want some water, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। इसका मतलब I क्या है, I प्रोनाउन है।
आई की विशेषता, आई की विशेषता जो बतलाई जा रही है वो सम, थोड़ा सा आई की विशेषता सम, इसलिए हो जाएगा क्वालिटी गुण, जो किसी भी क्वालिटी या गुण बताई जाए तो हो जाएगा सम, हो जाएगा क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राम इज फैट, राम हो गया नाउन, फैट राम की जो क्वालिटी बताई जा रही है वो फैट है। आई वांट सम वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, ये आई हो गया प्रोनाउन, सम हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो हमारी सेकेंड हेड होगी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेकेंड हेडिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड सो दैट क्वांटिटी क्वांटिटी नाउन आर प्रोनाउन सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे कहते हैं परिणाम वाचक विशेषण, इसका डेफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज वर्ड सो डैट क्वांटिटी नाउन आर प्रोनाउन। कहने को विशेष वो ऐसे विशेषण जिसमें किसी क्वांटिटी, किसी नाउन या प्रोनाउन की परिणाम बताई जाए उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस हॉल इज बिग, यह हॉल बड़ा है। इसमें देखिए दिस हॉल, हॉल की जो क्वांटिटी बताई जा रही है वो अब बिग है। दिस हॉल इज बिग, इज दिस हॉल की जो क्वांटिटी बताई जा रही है वो अब बिग है, ये हो जाएगा क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का डिफरेंशियल होता है एन एडजेक्टिव इज वर्ड सो दैट क्वांटिटी नाउन और प्रोनाउन, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की परिणाम बताए उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस हॉल इज, दिस हॉल इज बिग, यह हॉल बड़ा है। ये हॉल की जो क्वांटिटी बताई जा रही है वह बिग है, तो यह बिग है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो हमारी थर्ड हेडिंग होगी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड नंबर पर्सन और थिंग एन एडजेक्टिव इज वर्ड यूज नंबर पर्सन और थिंग। कहने का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की संख्या बतलाई जाए, ऐसे विशेषण जिसमें किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की संख्या बताई जाए उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
इज द स्टूडेंट रीड एडजेक्टिव ऑफ नंबर का डिफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज वर्ड यूज नंबर पर्सन और थिंग, कहने का मतलब ऐसे विशेषण जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की संख्या का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीचर टीच टू स्टूडेंट, अध्यापक दो छात्र को पढ़ाता है। इसमें देखिए टू स्टूडेंट, इसमें संख्या बतलाई गई है, इसमें संख्या बतलाई गई है, इसमें टू, तो टू स्टूडेंट हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसमें संख्या का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे द टीचर टीच टू स्टूडेंट, इसमें टू स्टूडेंट ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च का महीना वर्ष का, मार्च वर्ष का तीसरा महीना होता है। इसमें देखिए थर्ड का यूज हुआ है, इसमें भी संख्या बताया गया है थर्ड, तो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हमारे जो फोर्थ एडिंग हुआ एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, फोर्थ हेडिंग एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक विशेषण, इसका डिफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव। An adjective is a word for asking question is called adjective of interrogative। कहने का मतलब ऐसे विशेषण शब्द जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे adjective of interrogative कहते हैं। For example, who are you? तुम कौन हो? इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, आस्किंग क्वेश्चन जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? इसमें भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया, आस्किंग क्वेश्चन, तो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव। जो हमारा फिफ्थ हेडिंग होगा एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट,
एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट इसका डिफिनेशन होगा एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड इच आइदर नाइदर ए वेरी यूज्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड इज आइदर नाइदर ए वेरी यूज्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट फॉर कहने का मतलब ऐसे विशेषण जिसमें इज आइदर नाइदर ए वेरी का प्रयोग हुआ हो उसे एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इज द स्टूडेंट will go to school each the student will go to school प्रत्येक छात्र स्कूल जाएगा इसमें देखिए अगर जो adjective of distribute का definition लिखा गया है an adjective is a word यदि each word का यूज़ हुआ हो either का neither a very का यूज़ हुआ हो तो हो जाता है adjective of distribute इसमें इज क्या है इसमें होता है प्रत्येक इच द स्टूडेंट विल गो टू स्कूल प्रत्येक छात्र स्कूल जाएंगे इसमें इच हो गया एडजेक्टिव ऑफ इच द स्टूडेंट विल गो टू स्कूल प्रत्येक छात्र स्कूल जाएगा इसमें इच शब्द का यूज हुआ है तो यह हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट अब जो हमारा सिक्स एडिंग होगा एडजेक्टिव ऑफ पॉसेसिव जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थैंक्स फॉर यू